आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, आज के पूरे दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने आप को प्रभु के अधीन करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आज की रात हमारे लिए तेरी आशीषों की रात हो। ए करुणामय पिता, पापियों पर दया करने वाले पिता, भले बुरे के पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए। आज के पूरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे नथनों में प्राण वायु फूंका, तूने हमें जीवन दिया। जीवन के एक एक पल के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे शरीर को ऊर्जा दी, तूने हमें सुरक्षा प्रदान की, तूने हमारे जीवन में आज अपने सानिध्य का हमें एहसास कराया, तूने इस बात का हमें अनुभव दिया कि तू हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हे दयालु पिता, हे करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं एक एक बात के लिए। परिवार के एक एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे काम काज के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दी हुई सारी संपत्ति के लिए धन्यवाद देते हैं, दुख और तंगी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, रोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। हम इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं कि तू हमारी सुधि लेता है, हमारा ख्याल करता है, तू हमें अकेले नहीं छोड़ता है, तू हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। हे करुणामय पिता, हम इस समय यह स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है। हमारे होंठों में, हमारी आंखों में, हमारी नजरों में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में हमने कई प्रकार के पाप किए हैं। शुद्धता के विरुद्ध, पवित्रता के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध हम पर दया कीजिए। हमारे पाप के कलंक को मिटा दीजिए पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें सारे देव दूषणों से शुद्ध करूंगा। ऐसा ही कीजिए पिता, तेरे पवित्र जल को हमारे ऊपर छिड़क दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, हमारे हर प्रकार की दोष भावनाओं को मिटाकर हमें इस समय तेरे प्रेम का एहसास दीजिए, तेरी करुणा का एहसास दीजिए, हम शांति पा सकें। ए प्रेमी पिता, हम इस समय अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, सब कुछ को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस रात में हमें संरक्षण प्रदान कर, इस रात में हमें संरक्षण प्रदान कर। जिस तरह वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए हम तुझसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हजारों लाखों दूतों को हमारे घर और आसपास पर खड़ा कर और हमें सुरक्षा प्रदान कर, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान के हर खतरे और प्रपंच से हमें बचा के रख। हमारे बाल बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को हर तरह की विपत्ति और खतरे से बचा के रखना। हे पिता, हमारी आत्माओं को शांति प्रदान कर। आज की रात हमारे लिए आनंद की रात हो, अच्छे अच्छे सपना दिखाना, कल का दिन हमारे लिए आनंद का दिन बने। बड़ी उमंग के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ हम कल के दिन को स्वागत कर सकें। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। हे करुणामय पिता, मैं इस समय तेरी जनता के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी भाई बहन इस समय
इस प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं, उन सभी के हृदय की एक एक बात को तू जानता है, उन पर दया करना, हर प्रकार के डर से उन्हें आजाद करना, उनको इस समय अपनी शांति से भरना, अपने प्रेम से भरना। आज की रात उनके लिए कृपा की रात हो, कल उनके लिए कृपा का दिन बने, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।